जब ये मिलती है ना किसी को और कोई बोलता है आपके ब्लॉग्स देखते हैं या अरे आप कैसी हो ये वो, और उनको ये नहीं जानती है, मतलब पहली बार मिली है, तो अब क्या करे बेचारी। लेकिन अच्छा मैं बेचारी भी हो गई इस बात पे नहीं, लेकिन मजाक बनाया मेरा, ऐसा ओवर एक्सप्रेस करती है ना। अच्छा देखा आपने ब्लॉग, देखा अरे थैंक यू मेरी कितने बदतमीज हो तुम यार। गुड मॉर्निंग पीपल, हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी लोगों को। और हम लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ। मैं नहाने जा ही रहा था लेकिन इतने में इसने बोला कि पहले ब्लॉग शुरू कर देते हैं और मैं तुम्हें थोड़ा सा नीचा दिखा देती हूँ कि मैं तैयार हूँ दिवाली पे, तुम नहीं हो। मैंने ऐसा मैंने कहा चलो ठीक है नीचा दिख लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, अभी मेरे को फटाफट जिम जाना है क्योंकि ना मेरे को फिर शाम को मौका नहीं मिलेगा, बहुत काम करना है, तो इसलिए मैं फटाफट पहले जिम जाके आना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं जिम अभी नहीं गई, तैयार हो गई और बाकी काम किए, फिर शाम को मेरे को तैयार होना पड़ेगा जिम के लिए, तो मैं पहले जिम निपटा लेती हूँ और उसके बाद आके तैयार होती हूँ, तो ऐसा मैंने सोचा हुआ है। और यहाँ पे अमिता ने इतने अपने सुंदर कान के पहने हैं, मैं कल से बोल रही हूँ तू पहन क्यों नहीं रही है, तू पहन क्यों नहीं रही है, अब जाके पहनी है, अब जाके पहनी है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं अमिता। अगर इसको अब तूने उतारा इसको तो इतना धोऊंगी ना तेरे को, तू याद रखेगी, कभी नहीं उतारूंगी, नहीं उतारेगी ना, इसको उतारना तो कान के साथ ही। हाँ ये बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, मतलब ऐसे देखो इतने भी पतले नहीं है और इतने भी मोटे नहीं है, ठीक है। बस जब तू जाएगी ना अपने घर तब उतार के जाना, नहीं तो ट्रेन में भी खींच लेगा कान। अरे ट्रेन में बहुत वो, अरे वो गाँव छोड़ के आएगी ना इसको। नहीं तो गाँव छोड़ के आएगी ना इसको, तो आदत है ना जो दीदी देती है वो गाँव रख के, मैं तो गाँव रख के आ गई। नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, जब ट्रेवल करेगी ट्रेन में तो निकाल कर वो अपना उसको ध्यान रखना आता है। कोको भी अमिता के साथ ही जा रहा है, तुम्हें पता है कि नहीं? अच्छा हाँ, कोको को ये लेके जाएगी, कोको इसका बेटा है, लेके चले जाऊंगी, लेके जा इसको, लेके जा लटूरे को, मेरी चिंचा को इतना तंग करके रखा हुआ है मैं बेबी को, तो कौन तंग करता है मेरे बाबा, ये मेरा चुच्चा पुच्चा कुच्चा दिवाली करते हुए वो दिवाली। लेकिन इस समय लेट ही हुई है और आज की बहुत सारी दो तीन चार पांच जगह जाना है इनफैक्ट, और उसके बाद दिए भी लेने हैं, आज भी घर में थोड़े बहुत दिए जलेंगे तो वो सब भी करना है, वो सब लिया नहीं है ऑब्वियसली, वो तो लास्ट मोमेंट पे लेना चाहिए, तो घर के नीचे से जाके ले लेंगे। लेकिन काम बहुत है भैया, काम बहुत है, तो सोच रही हूँ मैं तो नहीं खाऊंगी अमिता, अभी मैं नहीं खा रही। अमिता ने बहुत ही अच्छा सा उपमा बनाया है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, मेरे को लगता है मैं जिम जाके आती हूँ और फिर खाती हूँ। नहीं नहीं मैं जिम जाऊंगी अमिता, थोड़ा सा कार्डियो ही करके आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पसीना निकलता है तो मुझे अच्छा लगता है भाई। अच्छा अरे मैंने कहा खाया ही कहा है कि मैं बोलूं कि अच्छी नहीं बनी है। चल अच्छा ठीक है आधा कर दे उसको, मैं खा लेती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ और हम लोगों को जाना है कुछ लोगों के घरों में दिवाली के हैंपर्स देने के लिए, तो जो जो भी चीजें होती रहेंगी वो आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये मैंने कहा थोड़ा सा जो अविनाश कह रहा था ना छुपा के रखा हुआ, वो ये था, कुछ नहीं है, सिंपल सा है लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल है ना एकदम, दिवाली वाला फील आ रहा है। देखो नीतू ने मेरे कुछ तांगम किया, नीतू क्या किया है, शंख लगा दिया कौड़ी लगाई है। अच्छा मुझे लगा वो अभी निकलेगी, वो खाली ऐसे ही रखा है बाल जमाने के लिए, स्टाइल है। अरे नीतू ने दोनों तरफ मुझे कुछ करना नहीं था लेकिन नीतू ने ऐसा कुछ कर दिया, कह रही आप ये करके जाओ, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं कान वान में कुछ भी पहने नहीं, मैंने कहा पहना तो हुआ है, नहीं मतलब छोटा ही पहना है बड़ा नहीं पहना, तो मैं एकदम रेडी हूँ, तो नीतू घर पे आई हुई है तो नीतू के लिए मैं कुछ लेके आई हूँ, जरा आ रही हूँ बैठो नीतू। तो जी ये रहा नीतू के लिए दिवाली, ये तुम्हारी साड़ी है, वाओ कितना प्यारा है, बच्चों के लिए एक छोटा सा हैम्पर, थैंक यू थैंक यू, हाँ बहुत प्यारा है। साड़ी देखो कैसी लगी, साड़ी देखो। अरे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ भाई, तो तुम भी पहली बार देखो, मैं लेके ही बाद में आई है, तुमने देखा ही नहीं है, बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर है यार, कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छा बांधनी साड़ी है और उसमें जैसे तुम पहनती हो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छी लगी, बहुत 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 अच्छा है, थैंक यू। हैप्पी दिवाली नीतू, हैप्पी दिवाली, अच्छी तरह से दिवाली मनाओ, अब कल ये पहनोगी तो? हाँ पक्का पक्का पक्का, हाँ चलो ठीक है ठीक है, हम लोग मिलते हैं, हम लोग निकल रहे हैं, अविनाश अभी तक तैयार नहीं हुआ है लेकिन दो तीन मिनट में तैयार हो जाएगा, तब तक मैं बाकी के इंतजाम करती हूँ, जरा हम बस बाहर निकालती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, छोटा वाला एक था ना, हाँ वो रहा ना चौथा, चार डब्बे ये लिए, मैं ये लेके चलूंगा गाड़ी में। हेलो,
हैप्पी दिवाली। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे गीतांजलि के घर पे आ गए हैं। हैप्पी दिवाली गीतांजलि। गीतांजलि की मम्मी है ये, और दैट्स गीतांजलि के बेटे, जो कि मैं बड़ी हैरान हूँ कि इतना बड़ा बेटा मैं कभी नहीं मिली थी। मैं आज पहली बार मिल रही हूँ। मैं इनफैक्ट घर ही पहली बार आई हूँ। गीतांजलि ने इससे पहले कभी घर पे नहीं बुलाया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बुलाना ही नहीं है घर पे। सबसे बड़ी बात है ये बड़ा साफ दिवाली का मौसम बड़ा, लेकिन इतना अच्छा सुंदर घर है, इतना प्यारा घर बनाया है गीतांजलि। बड़ा ऐसा पता लग रहा है, बड़ा दिल से बनाया हुआ है। बड़ा दिल से, हर एक चीज बड़े दिल से करी हुई है। जिम्पी ने एक बार बोला कि तुम लोगों ने गफलत में अच्छा घर बना लिया। गफलत में। तो जी, हम लोग निकल चुके हैं गीतांजलि के यहाँ से, अब जा रहे हैं दूसरे पड़ाव की ओर। क्या है दूसरा पड़ाव? स्टारबक्स। अरे वहाँ पे भी सबको हैम्पर दे रहे हैं ना, जो हमारे प्यारे प्यारे स्टाफ हैं। तो मैं लास्ट ईयर भी देखे आई थी, इस बार भी जाऊंगी। बाकी सब बढ़िया, हम लोग तो बस थोड़ा पर दिल के भाग रहे हैं। दिल तो था कि शोर में अंदर बैठ के कॉफी अंदर पी लेते क्या? पी लेते। गाड़ी गलत जगह लगी है, इधर लगा दो ना आगे करके। सबके बोलने पे मैं अंदर आ गई हूँ। मैं सोचा मैं कॉफी इधर ही पी के जाऊंगी, और इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ हुआ ना यहाँ पे भी, तो सबसे मिल भी लूंगी। अब सबको पर्सनली हैप्पी दिवाली बोल दूंगी। बाकी तो सब चीजें अंदर चली गई है, लेकिन सबको मैं पर्सनली अब हैप्पी दिवाली बोल के जाऊंगी। आ गई हूँ तो कहाँ है शाहरुख? हैप्पी दिवाली शाहरुख। हैप्पी दिवाली। कहाँ है सब? गायब किधर है? कौन ले फोटो? मैं ही ले रहा हूँ क्या? तुझे हमारे मोस्टली जितने भी हमें जहाँ जहाँ जाना था दिवाली गिफ्ट्स देने के लिए, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो बीच में तो हम लोग ब्लॉग भी नहीं किए। अभी हमें लास्ट जाना है हबीबी के घर, और वहाँ हम लोग सोचते हैं पहले घर चले जाते हैं और घर में थोड़ा दिया वगैरह जला लेते हैं, और उसके बाद फिर निकलेंगे। लेकिन वो भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो मे बी अ क्विक चाय घर पे, और फिर हम लोग दिए जला के, और दो ही दिए जलाने हैं, लेकिन दिए जला के हम लोग फटाफट वहाँ पर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी आना भी है, क्योंकि अविनाश की जूम मीटिंग है, तो उसके लिए हमें टाइम पे घर पहुँचना है। मिलते हैं दोस्तों आपको, धन्यवाद। अरे अगर कोई है कि रंगोली बनाने वाला? अच्छा सुनो ना, कोई रंगोली बनाने वाला? हाँ, कितना हो गया? इसके अंदर तेल लगेगा, घी लगेगा? नहीं नहीं, तेल लगेगा, लेकिन अभी पहले इसको भिगोना पड़ेगा। कितनी देर भिगो के रखूँ इसको? एक दो घंटे के बाद जलाए। बालों में ना कबूतर बीट कर गए एक साथ। मेरे को भी लगा कबूतर की पॉट्टी है, साफ कर दूं, फिर पता चला ये तो हेयर स्टाइल है। अरे इसको शंख कहते हैं। बच्चों, बच्चे छोटे बच्चे, मम्मा के छोटे छोटे बच्चे। जी अविनाश अभी अपने घर में बात कर रहा है, तब तक मैं बच्चों को नीचे खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमें निकलना है फटाफट, और अगर बच्चे नीचे नहीं खेले तो मेरी जान खा लेंगे ये। तो मैं चाय लेके नीचे जा रही हूँ। चल बॉल ले ले इसकी। चलो आओ मैं आती हूँ अभी। तो जी हम लोग घर पे दिए जला के छोटी दिवाली के निकल गए हैं, हबीबी के मम्मी पापा के घर जा रहे हैं, और आके आप लोग को दिखाते हैं कि घर पे क्या किया है हमने, क्या ही किया है। हाँ जो भी है, एक छोटी दिवाली पे दिए तो जलाते हो तो जला दिए, लेकिन जल्दी जल्दी में निकलना था, लेकिन हमें ना बहुत जल्दी वापस आना है, बिकॉज़ वी वांट टू बी एट होम नाउ। हाँ, और इसीलिए हमने आज सारे काम निपटा दिए कि कल दिवाली के दिन हम पूरा दिन घर पे रहें, कहीं जाना ना हो। दिवाली के दिन अपने घर पे रहना सबसे अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है। लिपस्टिक डार्क हो गई क्या? और तुम क्या बता रहे थे लोगों को? जैसे अभी मिली थी किसी से, तो ये इसने मेरा इतना मजाक बनाया, अभी मैं को क्या बताऊं। जब ये मिलती है ना किसी को, और कोई बोलता है आपके ब्लॉग्स देखते हैं, यार ये आप कैसी हो, ये वो, और उनको ये नहीं जानती है, मतलब पहली बार मिली है, तो अब क्या करे बेचारी। लेकिन अच्छा मैं बेचारी भी हो गई इस बात पे? नहीं, लेकिन मजाक बनाया मेरा। ऐसा ओवर एक्सप्रेस करती है ना। और भाई साहब मैं पीछे से खड़ा होकर देखता रहता हूँ, मैंने कहा इतना दांत तो है, कभी नहीं चियारती। इतना दांत निपोर रही है यहाँ पे। मैंने ऐसा कब किया यार? तो लोग मिलेंगे तो आप अच्छी तरह से मिलोगे ना, और कैसे मिलोगे? क्योंकि हाँ जी आज तो ब्लॉग देखते तो क्या करें, ऐसे बोलूं प्यार से। अच्छा। और एकदम से इसने ध्यान नहीं दिया, बीच में बंदे ने ना दुख की बात कर दी, उसमें भी थैंक
खराब हो बेबी, तुम कितने खराब हो, दुख की बात किसने करी है बीच में? नहीं, तुम अपने एक्सप्रेशन देने में इतनी बिजी रहती हो ना, खुशी के एक्सप्रेशन में तुम्हें पता ही चलता है कि सामने वाले ने दुख की बात की थी, इसमें दुख का एक्सप्रेशन देना था। बहुत खराब हो तुम। तो जी हम लोग पहुंच गए घर हबीबी के मम्मी पापा से मिलके। ये हमारे दिए, ये हमारे छोटे छोटे दिए, ये हमारे बड़े बड़े दिए। अरे मामा, मामा आ गई, बड़ी मामा आ गई। चलो भाई, चलो भाई, जल मत जाना, जल मत जाना। तो जी दोस्तों घर आ गए, संभावना भी पता नहीं क्या करेगी, लेकिन मेरी अभी बहुत इम्पोर्टेंट जूम कॉल काम है 2 घंटे का, तो मैं तो जा रहा हूँ वहाँ। और अब आप लोग को मिलते हैं कल दिवाली के दिन। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। हाँ, क्योंकि जब ये ब्लॉग आएगा, जब आप लोग इसको देख रहे होंगे, उस दिन होगी दिवाली। तो अभी से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।